हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। और फिर देखे ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत, कोई लायलपुरी अपने नाम के साथ कहता है, लायलपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लायलपुरी है। तो जी लाहौरी हैं, लाहौरी हैं, फिर उसके बाद गुजराती हैं, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं, तो कसूरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था एक ज़माने में, बड़ा मशहूर था। तो ये सब सब क्या है, ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो, यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेम्बरान हैं, आप हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं, आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। इसमें उसमें मैंने जो इंडियन लीडर्स को, जो मैंने जिनका मैंने जिक्र किया है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा इसमें कीन पाया है। शायद इतना कीन मैं भी नहीं था, या शायद कीन था, लेकिन मैं शायद हिचकिचाता था कि शायद कोई इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने जब इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह के अपने उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर, मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, मैंने कहा, और मैंने 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 कहा मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल, यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली ही बात है, लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी व नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं, जिस रब को आप रब कहते हैं, हम भी उसको रब कहते हैं। और हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं, जिसमें आता है, सबसे पहले जो आयत है उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसमें ये नहीं लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सब आलम का रब है। जिसको आप रब कहते हैं, हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। इम्तियाज़ साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया, ये बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं, ये दिल सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हैं। आपकी काविशों को मैं सराहता हूँ, आपके साथियों की काविशों को मैं सराहता हूँ।